फिर ऐ मो तेरी लपेट देच पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समो ब्रह्मन ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च ले लिया, तू अपनी पकड़ च ले लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नू भी सीने नाल लाई फिरदी है। सियाने कहंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां दा ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पे, तां भी बंदरी बच्चे नू छोड़ दी नहीं, सुट दी नहीं, जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा को खारी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आउंदा, नहीं छोड़ती। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखने वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक, फिलोसफर, गण गंधर्व, संगीतकार सारे इसकी लपेट दे चुके, सारियां दा मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए? फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक की अखीरली पंक्ति च इन फरमान कर देने, हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर। जो करण हार करतार है समूह ब्रह्मण दे बनाने वाला, उसनु ही समझ के मोह दा करता भी होइए। तू मोह नु सजदा ना कर, कृत नु सजदा ना कर, करते नु सजदा कर। अरे करण हार नमस्कारन सजदा कर प्रभु, हाथ जोड़ परमात्मा दे अगो, अरदास कर और आख तेरी शरण, तेरी शरण, शरण नानक जगदीश्वर। ए जगदीश, ए जगत दे मालिक, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण। बचण दा केवल यही उपाव है। सिद्धे रूप दे मौ नाल युद्ध कठिन है, औखा है, मनुख दी बिसात तो परे दी गल है, मनुख दी पहुंच तो परे दी गल है। मोह मेरा, मोह मेरा कदी कदाई रूहे जमीन दे मनुखी दुनिया च ऐसे फुल खिड़दे ने जिन्हां विच निर्मोह दी सुगंध होंदी है। मोह दी बदबू नहीं निर्मोह दी महक, मोह दा अंधकार नहीं निर्मोह दा चानण, मोह दी कठोरता नहीं निर्मोह दी दया। निर्मोही दी दया सीमित नहीं आउंदी, मोह ग्रसे मनुख दी दया सीमित आउंदी है। अपने बच्चियां ते दया पड़ोसी दे बच्चियां ते, मोह ग्रसे मनुख नूं अपने बच्चे दे औगुण भी चंगे लगते ने, पड़ोसी दे बच्चे दे गुण भी नहीं चंगे लगते। अपना क्रोध बच्चा भी चंगा लगता है, पड़ोसी दा सुंदर बालक भी चंगा नहीं लगता। मोह ग्रसे दी दया बहुत सीमित, मोह ग्रसे दा प्रेम बड़ा सीमित, मोह ग्रसे दी समझ बड़ी सीमित। मोह ग्रसा सीमा दे जींदा है, उसका असीम नाल कोई संबंध नहीं। बड़े बड़े शक्तिशाली महाबली कहलाण वाले भी इस मोह दी सीमा दी कैद तो आजाद ना हो सके। मुगल सम्राट, मुगले आजम जनाब जलालुद्दीन अकबर अधकड़ जई उम्र विच
इसते घर औलाद हुई शाहजादा सलीम। पता नहीं कितने पीर फकीरां दी मजारां ते चढ़ावे चाड़दा रहा, चदरां चाड़दा रहा। धन गुरु अमरदास जी महाराज के दरबार विच भी नंगे पैरी आया दर्शन करन ले। लेकिन दर्शन दे कामना सी एक बच्चे दे। भाग लगे समा पाके अदकड़ जई उम्र इस मुगल सम्राट दे घर सुंदर बालक का जन्म होया जिसका नाम सलीम रखा गया। काफी दिनों का अकबर का रुकिया होया मोह हड़ की तरह वग उठाया और राजपाठ विच इतना ध्यान नहीं, बच्चे नाल खेडना खिडाना इस विच ध्यान बहुत है। डुल डुल के अकबर की ममता सलीम ते पै रही है। चुकदा चुमदा रखदा वेखदा खुश आउंदा प्रसन्न आउंदा। एक दिन सलीम गोद दे च है, खादमा नौकराणी महिला का फर्श साफ कर रही है, पोचा ला रही है। अकबर खादमा नू कहिंदा है, खादमा सलीम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। विचारी खादमा नौकराणी की आखे, कहन लगी जहां पना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, सब तो सुंदर है। खादमा मैं ऐसा सोच रहे हैं, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसे नो भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहन लगी जहां पना ये हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत होवे, वो किस तरह हो सकता है। खुश होके प्रसन्न होके पंज मोरा खादमा दी हथेली ते टिकाइया, आख्या खादमा तू ये काम छोड़, जा आगरे विच, जा आगरे शहर विच, लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनों भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नू भी माला माल कर देंगा, दोहां दियां झोलियां भर देंगा। और मैं जानना चाहना कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे हैं और कह रहे हैं जा लब के ले आ। हुकम मन खादमा चल पई, सवेर दी गई, दिन ढलदे हां वापस आ रही है दबे हुए पैरां नाल, तरह तरह दी विचारां दे डुब्बी हुई गोद विच एक बच्चा ले आया। सिद्धी अकबर दे पास आई, देख के अकबर खुश होया है, कोई बच्चा ले आई है इसकी गोद विच है। खादमा तो ले आई है ऐसा कोई बच्चा जो सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? हां जहां पना मैं ले आई हूं। अकबर ने चद्दर एक पासे की थी, चीथड़ियां दे च लिपटिया होया एक करूप और मैला बच्चा खादमा दी गोद दे च है। हैरान होके
अकबर कहता है, ए बच्चा, किसदा बच्चा है? जहां पनाह ते मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां पनाह इस बच्चे तो मैनू ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसेगा। सच पूछें और मेरे जान दी बख्शी करें, ऐ जहां पनाह तेरा सलीम भी इसके सामने पिक कर। कहिंदे ने नौकराणी दे इना बोला ने अकबर दियां अखां खोलियां। ख्याल आया, मैं मोह दी नजर नाल सलीम नूं वेख रहा, ये मोह दी नजर नाल अपने बच्चे नूं वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकराणी नूं अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और मोह करके मैनू सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी, आलम फाजला नूं अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चा गई, पकड़ दे चा गई। और ये असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देखदे आं, मनुख नूं अपने औगुणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उसनूं चंगे नहीं लगते। अपना करूप बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी का सुंदर बच्चा भी करूप है, बेमैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, पर यह स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी च फसया रहता है। कदी कदाई कोई मनुख प्रभु की शरण प्रकट, प्रभु का चिंतन कर, नाम दे गीत गांदियां गांदियां मोह दे पर्दे नूं परे सुटदा है, निर्मोह हो जांदा है। निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है, मोह ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उसदे चों भी कुछ सदस्य उसदे अपने ने, बाकी ते सारे का सारा पराया। इतना वड्डा जगत ते ओपरा होवे, पराया होवे, तो फिर ते मनुख भय विच जीवेगा, डर विच जीवेगा, दुख विच जीवेगा। इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख विच ते भय विच जीवदा है। सारा जगत अपना है प्रेमी लई, सारा संसार अपना है, तो निर्भय होके विचरदा है, आनंद नाल विचरदा है, सुख नाल रमण करदा है। सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है, निर्मोही असीम होंदा है। निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है, मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है। बहुत छोटी दुनिया होंदी है मोह ग्रसे दी, जिसकी दुनिया छोटी उसकी अकल छोटी, उसकी सोचनी छोटी, उसकी समझ छोटी, उसका सब कुछ छोटा। बहुत छोटे तल ते जीवदा है मोह ग्रसिया मनुख, और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही। कोई सीमा नहीं परमात्मा की, कोई सीमा नहीं निर्मोही की, कोई सीमा नहीं।